बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बस यही कहना है कि हम पहले भी पीएमसी एक्ट जो हुआ है, जो फेडरल गवर्नमेंट ने मुसल्लत किया प्रोविंसेस के ऊपर बगैर उनकी रजामंदी लिए हुए, उस पर हमें पहले भी एतराज़ था। और हम अब उसमें यही समझते थे कि 18th अमेंडमेंट के बाद जब एजुकेशन डिवॉल्व हो गया है सूबों के पास, तो उसमें जो एडमिशन्स की पॉलिसी है वो तय करनी है सूबों को, और एडमिशन की पॉलिसी में जो है फेडरल गवर्नमेंट दखल अंदाजी नहीं कर सकती। लेकिन उन्होंने अपने पीएमसी एक्ट में डाल दिया कि वो एक नेशनल टेस्ट करेंगे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की और कॉलेजेस की एंट्री के लिए, और डेंटल यूनिवर्सिटी और डेंटल कॉलेजेस की एंट्री के लिए, और फिर अब एक मनपसंद सर्विस टेस्टिंग सर्विसेज के इदारे को ये दे दिया गया ये काम, जो बिल्कुल ना अहल थी और वो सही तरीके से ये काम कर नहीं पाई, और बहुत सारे एतराज़ आ रहे थे बच्चों के। उसके अलावा उसके जो पीएमसी के जो चेयरमैन था, उन्होंने अपनी तरफ से, जो पीएमसी के एक्ट की भी इजाज़त नहीं देता, अपनी तरफ से 65% का जो है पासिंग स्टैंडर्ड रख दिया टेस्ट के लिए कि 65% के मार्क्स पे पास होंगे बच्चे। तो ये भी उसके उस प्रोगेटिव में नहीं था, पीएमसी के एक्ट ही में नहीं था। इस वजह से हम ये कैबिनेट के पास ले गए कि क्योंकि एक चीज़ एक्ट में नहीं है और सूबों का अख्तियार है, तो हमने ये उसके तहत हम चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी बच्चे हैं उनकी बेहतरी के लिए, उनकी फ्यूचर की का जो करियर है उसकी वजह से, और हमारे सिंध के हेल्थ के इश्यूज़ की वजह से, क्योंकि अगर हम दाखला नहीं दे पाएंगे बच्चों को तो हमारे यहाँ बहुत कमी रह जाएगी डॉक्टर्स की और डेंटिस्ट की। तो इस वजह से हम ले गए ये, हेल्थ डिपार्टमेंट ले गया ये इशू कैबिनेट में, और कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी है कि 50% जो है हम पासिंग मार्क्स रखेंगे, और वेटेज जो है उसका हम तय करेंगे कि किस तरीके से हम वेटेज दें, क्योंकि पीएमसी के एक्ट में जो है 50% वेटेज दिया गया है एमडी कैट के टेस्ट को, और बाकी 50% जो है वो इंटरमीडिएट के लिए रखा गया, लेकिन हम इस वेटेज को भी देखेंगे। और बहरहाल बहरकैफ ये जो है पीएमसी के की जो 65% की जो है पासिंग मार्क्स हैं उनको उसे कैबिनेट ने रद्द किया है, और 50% मार्क्स अभी डेंटल और मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन के लिए 50%, और उसके उससे ऊपर के जितने भी मार्क्स आएंगे बच्चों के हम उन्हें दाखिला